और फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में जो कि कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर यही से बात करने वाला हूँ। अगर चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे आप इस फीचर्स का इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा डायल पैड में जाना होगा। जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, 3 लाइन। उसके बाद आपको इस पर सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, तो आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको एयरटेल, वोडाफोन, जियो जो भी सिम होगा वो दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग फीचर्स को भी इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कई ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, तो आपको कौन सा कॉल करना है वो आप चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरे को वॉइस कॉल करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं जिसको आप कॉल करेंगे, वीजी, आंसर या फिर कॉल फॉरवर्डिंग। यहाँ पर कई ऑप्शन है, तो हम कॉल फॉरवर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है जिस पे आप कॉल फॉरवर्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा नंबर शो हो जाएगा और मैं डायरेक्ट वीडियो अपलोड करता हूँ विदाउट एडिट के, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से आप डायरेक्ट इसको ऑन करके यहीं से आ करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।